नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सलवार के पोंचे गद्देदार कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने एक पट्टी पेस्ट की हुई है कपड़े के ऊपर, जो हमारा सलवार का कपड़ा होगा। ये तकरीबन 1.25 से 2.5 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट की हुई है, और एक साइड हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोटा हुआ है, और एक साइड मैंने काफ़ी मार्जिन छोटा हुआ है, जो ज़रूरत के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। और मैं आपको छोटे पीस में पोंछे के डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा आज। यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस लिया हुआ है, ये पूरी सलवार नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए ही इतना छोटा पीस इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये गद्देदार पोंछे बनाने के लिए फोम, जिसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फोम अटैच करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये फोम अटैच करेंगे, और फोम अटैच करते हैं जिस साइड हमारी बुकरम होती है, यहाँ पे आगे की साइड जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक हम इस प्रकार फोम रखेंगे, और एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड की फोम वहाँ तक कटिंग कर देते हैं जहाँ तक हमारी बुकरम होती है। और जो ये कपड़ा होगा, बिल्कुल सीधी फोम कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसको यहाँ पे हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से पलटते हुए जो हमारी पहली सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर एक सिलाई और लगाते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड हमारा ये कपड़ा जो होता है, ये दब जाता है इस सिलाई में। अब हम यहां से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है, जैसे मैंने बताया था, उसको कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम सलवार का पोंचा सीधी साइड रखते हैं, ऊपर की साइड, और यहाँ पे पोंचा रखेंगे इस तरीके से। और जहाँ तक हमारी ये बुकरम होती है, बुकरम के साथ साथ हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पोंचे को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, और ऊपर से एक पैर चौड़ाई की सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई लगाते हैं हम यहाँ पे ऊपर की साइड। ये सिलाई हमारी इस कन्नी पे आनी चाहिए, ये इस किनारी के ऊपर। ये आप नीचे की साइड से भी लगा सकते हो, ऊपर की साइड से भी। इसमें नीचे वाला कपड़ा हमारा यहाँ पे दबना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब
इस सिलाई को हम डबल सिलाई कर लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये इतना पोंछा तैयार हो जाता है। अब हमें इसमें डिजाइनिंग डालनी है। डिजाइन डालने के लिए सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये पोंछे का सेंटर होता है, एक निशान इस प्रकार का लगा लेते हैं सीधा। फिर यहाँ से हम 2-2 इंच पे इस तरीके से हल्के हल्के निशान लगाएंगे। निशान आपने डार्क नहीं लगाने हैं। इन निशानों को इस प्रकार से बिल्कुल सीधे इस तरीके से लगा लेते हैं। मैं आपको एक साइड का पोंछा बना के दिखाऊंगा हाफ, क्योंकि इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी साइड का भी सेम पोंछा बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाने हैं गोलाई वाले। इसी निशान के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा इस प्रकार का ये डिजाइन आया है। अब हमने जो ये इस तरीके की गोलाई वाला हिस्सा है, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, इस प्रकार के हमारे आमने सामने हिस्से आ जाते हैं। यहाँ पे हम मैं आपको इसमें डिजाइन डाल के दिखाऊंगा। यहाँ से हमने इस तरीके के सर्कल में इस प्रकार से ये घुमानी है, जिसको ये बुकरम वाली हमारी पट्टी होगी। ये मैंने गोलाई के साथ साथ इस तरीके से पोंछा हिलाते हुए घुमाई है पूरी मशीन इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे इसके साथ में इसी तरीके से गोलाई से सीधी मशीन इस प्रकार से सिलाई लगाते हुए घुमाएंगे यहाँ पे ऐसे। ये हमारी बहुत ही सुंदर पत्ती टाइप बन जाती है और बीच में हमारे इस प्रकार का सर्कल आ जाता है। फिर से हम इसी प्रकार से मशीन घुमाएंगे। और फिर से सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी गोलाई में ही आनी चाहिए। जब हमारा यहाँ पे छोटा बच जाता है, कम पीस बच जाता है यहाँ पे, जिसमें आपका सर्कल सही नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से सिलाई लगानी है ऐसे। और यहाँ पे इस सिलाई को वापसी इस तरीके से लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये बहुत ही सुंदर, यहाँ पे ये एक पूरी पत्ती टाइप डिजाइन बन जाता है, जो कि पोंछे में बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। और यहाँ पे हमारी जो बीच में से ये कपड़ा होता है, ये उभारपन होता है, जो कि गद्देदार पोंछा बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये फोम सिंगल लगाई है, आप इसको डबल भी कर सकते हो, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। इस तरीके की आप सभी जितनी भी हमारी दोनों साइड पत्तियां होती हैं, इस प्रकार के सर्कल जो आते हैं, उनमें इस तरीके का आप डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, तो बहुत ही सुंदर आपका पोंछा बनेगा। अब मैं अगले वाले सर्कल में आपको दूसरा डिज़ाइन बताऊंगा, क्योंकि एक ही पोंछे में मैं आपको 2 डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करके बताऊंगा। यहाँ पे हम गोलाई ले लेते हैं इस प्रकार की। ऐसे हमारा यहाँ पे ये पोंछा बन जाता है। मैं यहाँ पे आपको किसी भी एक सर्कल, कोई भी आप चुन सकते हैं जिसमें आपको डिजाइन बनाना हो। मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगानी है। और वापसी यहाँ पे हम पत्ती बनाएंगे, जो हमने सिलाई लगाई है इसकी पूरी हमारी पत्ती वाली गोलाई आनी चाहिए इस तरीके से। फिर एक पत्ती और बनाएंगे।
पे। यहाँ पे हमारी ये जितनी भी आप सिलाई देखोगे हर सिलाई इस तरीके से लगेगी जैसे पत्तियाँ होती हैं, जैसे इस प्रकार की। इस तरीके से भी हमारा यहाँ पे डिजाइन बन जाता है। ये डिजाइन भी आप सभी जगह यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। दो तरीके के डिजाइन हमने यहाँ पे सर्कल में अपने कंप्लीट किए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक तीसरा डिजाइन बताऊंगा। उस डिजाइन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारी गोलाई होती है, गोलाई का सेंटर पॉइंट पे हम एक निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे हम इस प्रकार से पत्ती बनाएंगे इस तरीके वाली। दूसरी साइड भी हम सेम निशान लगाएंगे। इस निशान को जब हम लगा लेते हैं निशान, तो हल्का सा ऐसे कर लेते हैं जिससे कि ये लाइट हो जाए, और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे मशीन लगाएंगे। एक साइड की पत्ती कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी साइड की पत्ती बनाएंगे। अब जो हमारी बीच में ये जगह बचती है, इसमें भी हम यहाँ पे कोई भी डिजाइन यहाँ पे डाल सकते हैं इस प्रकार का। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा इस प्रकार का फ्लावर बन जाता है। दोस्तों ये जैसे आप एक दो बार इसको ट्राई करोगे तो उसमें और ज़्यादा सफाई आ जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको तीन डिजाइन यहाँ पे मोरी पे बताए हैं, 1, 2 और 3। दोस्तों अगर ये आपको पोंछे का डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।